नमस्कार। राजस्थान के दौसा ज़िले की पिंपड़ खेड़ा ग्राम पंचायत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति सरपंच के रूप में निर्विरोध चुनाव के लिए जनता को 70 लाख रुपए देने का दावा कर रहा है। वीडियो में सरपंच के लिए बोली लगाने वाला आदमी का नाम है यादराम गुजर। मिली जानकारी के अनुसार यादराम गुजर डेयरी का काम करता है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यदि उन्हें निर्विरोध सरपंच बनाया जाता है तो बस्ती के विकास के लिए 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरपंच पद के लिए 70 लाख की बोली लगाने वाले इस वायरल वीडियो के शख्स ने अन्य लोगों से भी इसकी बोली लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद अब जल्द ही पंचायत चुनाव होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही धन बल के भरपूर इस्तेमाल की चिंता गहराने लगी है। यूँ तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद के चुनाव के लिए 50,000 रुपये तक का खर्च सीमा रखी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की वर्तमान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों को देखकर अभी से कई हज़ारों के खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बार देखिए वीडियो। बोलियों पे सरपंच जी को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट इतना कहता हूँ कोई कोई लाख कोई पचास पचास लाख की घोषणा कर रहा है, कोई क्या घोषणा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं 70 लाख रुपए कैश देता हूँ अगर कोई मुझे को निर्विरोधी सरपंच देता है तो। पहली बार क्यों मैं इसको नहीं चाहता, ऐसी बोलियों पे लोकतंत्र का ये स्वभाव नहीं है। बिल्कुल लोकतंत्र के विपक्ष में है ये। नहीं, लोकतंत्र के ये स्वभाव नहीं है, लेकिन गांव और लोगों की परिभाषा के थोड़ा मैं बोल रहा हूँ 70 लाख, क्योंकि तरह तरीके के सरपंच और खरपंच और मरपंच ये हो रहे हैं, उनको मैं लाइक नहीं करना चाहता, पर ये कह रहा हूँ कि गांव का विकास हो जाए और गांव में कोई अच्छी रूपरेखा बन जाए। कोई बोल रहा है कि ज़मीन के किनारे 2 बीघा पक्की दे दे, कोई कह रहा है कि 1 बीघा पक्की दे दे, मैं उनके भी कोई लायक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधा सट विकास कार्य तो होंगे ही, और सरपंच में नहीं पूरा गांव सरपंच अगर मेरे को लोग चुनते हैं तो, और लेटर पैड और साइन और मोर वो तो 24 घंटे उपलब्ध मिलेगी। लेटर पैड तो हर 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 नुक्कड़ पे तक ही मिलेगी अगर हम लोगों को बस्ती माता साथ देती है तो। अब मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये भाषा गलत है कि बोली बोली बोली, मेरी 70 लाख की बोली है। अगर कोई मेरे को नाविरोधी सरपंच दे दे, अब 70 लाख को बस्ती माता कहाँ लगाएगी, कैसे लगाएगी, क्या करेगी, वो उनका वो है। और मैं किसी कोई एक समाज को नहीं दे रहा, मैं पूरी बस्ती माता को दे रहा हूँ, सर्व समाज को दे रहा हूँ, सर्व समाज के लिए मैं देता हूँ। अब उसको कैसे मेंटेन करेंगे वो उनकी फितरत है। अब इससे कोई भड़के आए तो भैया आ जाए, मैं बात बताऊँ 70 लाख की बोली है हमारी तो, 70 लाख की।